मैं शिक्षा जुड़ा हुआ था पहले, मैंने शिक्षा में 30 बार सेवा की है और मैंने मन बना लिया कि मैं भी जो मेरा बाकी लाइफ बची है सर्विस के दौरान, मेरे मन में पहले था कि मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से हैं केजरीवाल। निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है, मैं राशिद निराला आपके साथ हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, रमेश चंद धैया जी, इलाके के मशहूर व्यक्ति हैं क्योंकि हमारे इस इलाके में, इस ढौरा विधानसभा के ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं एक शिक्षक के तौर पर। और अब 4 साल पहले इन्होंने प्रिंसिपल पद से रिटायरमेंट ले ली। काफ़ी जाने पहचाने चेहरा है ढौरा हल्का के, तो आज इनके पास पहुँचे हैं और पता चला कि इन्होंने राजनीति में जाने का एक फ़ैसला लिया है, राजनीति में आ चुके हैं। तो हम ये जानने के लिए पहुँच गए कि आपने शिक्षा के क्षेत्र से सीधा दूसरी तरफ क्यों रास्ता चुन लिया और क्या इनके एक होता है कि प्लान होते हैं कि हमें इस क्षेत्र के अंदर राजनीति में जाकर कुछ काम करना है, तो सब बातें आज क्लियर करेंगे धैया सर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मेरा नाम रमेश धैया है, मैं आम आदमी पार्टी में शिक्षा प्रदेश अध्यक्ष हूँ और 4 वर्ष आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। तो आपने शिक्षा की तरफ से, आप एक शिक्षक थे, रिटायर हुए, तो राजनीति में जाना ही क्यों चुना? मैं शिक्षा जुड़ा हुआ था पहले, मैंने शिक्षा में 30 बार सेवा की है और शिक्षा जुड़ा हुआ मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का मन बनाया, क्योंकि जैसे कि मैं केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हूँ और जैसे मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का सुधार किया और वहाँ का जो रिजल्ट परिणाम जो है 99% आए, उसी क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ था पहले और मैंने मन बना लिया कि मैं भी जो मेरा बाकी लाइफ बची है मैं सेवा करूँगा और आम आदमी पार्टी में होकर ही मैं अच्छी सेवा कर सकता हूँ। तो आम आदमी पार्टी में जाने का ही आपने निर्णय क्यों लिया, क्योंकि पार्टी या ऑप्शन तो हरियाणा में भी अब काफ़ी हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, जजपा है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी में ही जाने का आपने क्यों चुना? सर उसके दौरान मेरे मन में पहले था कि मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से हैं केजरीवाल जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और मैं आम आदमी पार्टी में जाकर के बहुत खुश हूँ क्योंकि उसे मुझे बहुत मान सम्मान दिया है पार्टी ने। तो आपको क्या इस वक्त क्या पद मिला हुआ है पार्टी में? मुझे पार्टी में पहले लोकसभा अध्यक्ष रहा, फिर मैं हरियाणा प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा, अब मेरे पास जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ शिक्षा का मैं आम आदमी पार्टी में, और इसमें मुझे बहुत मान सम्मान दिया पार्टी ने। तो अब शिक्षा विंग के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और लेकिन सबसे पहले तो यही सवाल है कि आपको टिकट आप किस सीट से दावेदार है? नहीं, आम आदमी पार्टी में मैंने ना कोई पद मांगा और ना मैं टिकट मांगता हूँ, अगर वो पार्टी का काम है मैं टिकट का दावेदार नहीं। अगर पार्टी कहीं से टिकट देती है चुनाव लड़ लेंगे, अपनी पार्टी की सेवा करूँगा, निस्वार्थ सेवा करूँगा और शिक्षक सत्र में जो भी मेरे से काम होगा वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं किसी भी विधानसभा से या लोकसभा से दावेदार नहीं है, मेरे से आगे और भी दावेदार हो सकते हैं, वो पार्टी का काम है किसको टिकट देना है किसको नहीं टिकट देना है। वैसे आपका पसंदीदा कौन सा विधानसभा है जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, काम तो मैंने वैसे 9 विधानसभा हमारी लोकसभा में है, सभी विधानसभा मैंने काम किया है, परंतु मेरी सर्विस जो है नारायण विधानसभा में और सढ़ौरा विधानसभा में है। लेकिन सढ़ौरे में जो है विधानसभा में जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं लगभग 60-65 गाँव ऐसे हैं जिनमें मेरे रिश्तेदार हैं, मामे हैं, बुआ है, मासी है, बहन है, चाचे हैं, भतीजिया हैं ना, वो लगभग सारे ही मेरे जानकर वहाँ पर हैं और मैंने 15 साल वहाँ लोगों की बहुत सेवा की है। कई स्कूलों में रहा मैं, साला पर स्कूल में रहा, सढ़ौरा स्कूल में रहा, उधर हमारी बिजनेस भी है, हम जाते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ से लोगों से मुझे बहुत प्यार है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? हरियाणा में आम आदमी पार्टी 2024 में जो है हमारी सरकार आएगी, कल सर्वे भी किसी चैनल ने किया है, हमारी 62 सीटें वहाँ से आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हमारी सरकार होगी, फिर हम जैसे हमने दिल्ली में काम शिक्षा सुधार किए हैं या पंजाब में कर रहे हैं, हमारा जैसे दिल्ली के स्कूल हैं वैसे स्कूल हमारे रहने के बनेंगे फिर। अच्छा, थोड़ा बेरोजगारी है जिस प्रकार की,
और लगातार सवाल भी उठाए जाते हैं क्योंकि बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बहुत है, जो आर्थिक स्थिति है देश की वो भी बहुत वीक है इस वक्त, तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? बेरोजगारी जो हरियाणा है प्रदेश है, भारत में जितने राज्य हैं सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। इस टाइम लगभग 37% लोग बेरोजगार हैं। जब से सरकार बनी है कोई नौकरी नहीं दी है, ये ड्रामाबाजी कर रही है, कभी सक्षम में है, कभी कौशल में है, कोई भी स्थायी नियुक्ति ये नहीं कर रहे हैं। इतने लोग बेरोजगार हैं, जो यहाँ से बेरोजगार लोग कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ फांसी ले रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं। अब जिन लोगों के पास बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, एक दो कनाल जमीन है, किला जमीन का है, जमीन बेच रहे हैं, घर बार बेच कर बाहर जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो है बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ रही है। और महंगाई को लेकर, महंगाई जो आपने पता है कि जो हमारा इलाका है बहुत गरीब है, यहाँ लोग की जो मजदूरी है वो 280-380 रुपये है, 400 रुपये है, सिलेंडर हमारा जो 1100-1200 रुपये का रहा है। अब सिलेंडर के लिए पहन लाइन लगती भराने के लिए, इस सिलेंडर कोई भराता ही नहीं है कोई है। और दूसरी जो हमारी खाने चीज़ें हैं, आप सब्जियां देख लो, 100 रुपये टमाटर हो रहे हैं, कितने प्याज महंगे हो रहे हैं, सब्जियां बहुत महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। हमारी जो हरियाणा सरकार है इसका महंगाई के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस मोदी सरकार लोगों को बहुत दुखी कर दिया है, लोग स्वयं अपने हत्या कर रहे हैं, फांसियाँ ले रहे हैं, बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, कोई यहाँ कुछ नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया की बात की बीच में शिक्षा को लेकर, तो अभी वर्तमान में वो जेल में हैं, उनके ऊपर केस लगे हुए हैं शराब घोटाले को लेकर, और उनके अलावा भी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री थे वो कई मंत्री जेलों में हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है या उनका गुनाह है कोई उसमें? ये झूठे मुकदमे बनाते हैं, लोगों जेल में डालते हैं। मनीष सिसोदिया जी के बारे में कोई इनका सबूत नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जो इनकी पुलिस इनके अंडर है, कोर्ट इनके अंडर है, न्याय प्रणाली हमारी ठीक नहीं है, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं और लोगों को अंदर भेज देते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं इसके लिए भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, रमेश चंद धैया जी, इनके पास मैं भी पढ़ा हूँ और प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं सरकारी स्कूल से, और अब आम आदमी पार्टी में है, शिक्षा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विस्तार से बातचीत की और बताया कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, हम किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करेंगे, और जो दिल्ली मॉडल एक आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि दिल्ली मॉडल हम स्थापित कर देंगे पूरे देश में, वही रमेश चंद जी का कहना है कि अगर हरियाणा में सरकार बनी तो हम इसी प्रकार का एक यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कर देंगे। और भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई इनकी राजनीति को लेकर, क्यों राजनीति में आए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।